स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम लोग कल पिछले वीडियो में देखे थे, कंप्रेशन और फ्लेम चैप्टर का स्टार्टिंग पढ़े थे और एक्टिविटी 6.2 पर हम लोग आए थे। तो आज हम लोग इसको फिर से क्लियरली समझेंगे। कल हम लोग इसको समझ नहीं पाए थे, समय नहीं था। तो 6.2 की जो एक्टिविटी है उसमें जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं कि एक कैंडल है जो एक सपोर्ट पे रखा गया, वुडन सपोर्ट पर। और वुडन सपोर्ट पे दो थोड़े से अपलिफ्टेड पार्ट है और इसके ऊपर एक खोखला, ग्लास टाइप का खोखला, यानी कि ऊपर से भी ये होल ओपन है और नीचे से तो ओपन है ही। ये कैंडल यहाँ पर ठीक है जल रहा है और एक तरह का चिमनी जैसा इसको लुक दिया गया है। ग्लास का है पोर्शन, नीचे से भी यहाँ से एयर एंटर कर रहा है और यहाँ से भी एयर एंटर कर रहा है। तो इसी वजह से ये पहला जो एक्टिविटी का पहला पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें कैंडल इजिली बर्न कर रहा है, कंबशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई, एयर का सप्लाई सफिशियंट है। सेकेंड में देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो ऑगमेंटेड पार्ट था, मॉडर्न पार्ट, उसको अगर हटा देंगे हम लोग तो क्या होगा, तो क्या होगा कि ये पूरा जो है फ्लैट सरफेस, इसका जो ग्लास का हॉलो ग्लास है उसका जो पार्ट पूरी तरह से एक फिट हो जाएगा, बॉटम से फिट हो जाएगा, तो नीचे से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाएगा जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो नीचे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा, ऊपर से थोड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से कैंडल कुछ देर बाद उस सेकेंड में बुझ जाएगा। ठीक, स्टार्टिंग मिलता रहेगा, बाद में बुझ जाएगा। फिर इसमें थोड़ा सा फ्लिकरिंग होगा, लेकिन फ्लिकरिंग का मतलब क्या है, हल्की सी ऊपर हवा आएगी, एयर मिलेगा, थोड़ा सा वो चमकेगा, चिंगारी निकलेगी। तीसरे में क्या है कि नीचे वही फ्लैट कर दिया गया है, नीचे से ऑक्सीजन या एयर का सप्लाई ब्लॉक है, ऊपर से भी एक छोटे ब्लॉक कर दिया गया हॉलो पार्ट से, तो ऑक्सीजन या एयर कहीं से भी एंटर नहीं कर रहा है, तो ये कैंडल कंप्लीटली बुझ जाएगा, जलेगा नहीं। तो इस तीन एक्टिविटीज करके या एक सिंपल एक्टिविटी करके हम लोग क्या समझे, ये समझे कि कंबशन जो होता है या बर्निंग जो होता है वो एयर के प्रेजेंस में होता है, एयर का सफिशियंट सप्लाई रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तभी वो बर्निंग होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और जब एयर नहीं रहेगा यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वहां पर कौन सी गैस रहेगी जिसकी वजह से बुझ जाएगा, इसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। आगे हम लोग इसको समझ रहे हैं जैसा कि यहां दिया हुआ है, वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इन नेसेसरी। इस एक्टिविटी से एक क्लियर हुआ जैसा कि मैंने अभी बताया कि बर्निंग के लिए या कंबशन, कंबशन या बर्निंग दोनों एक ही टर्म है। ठीक है, हवा की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लगना उसको कंबशन बोलते हैं, और उसके लिए एयर बहुत जरूरी फैक्टर है। बिना एयर के ऑक्सीजन, और एयर में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कंबशन नहीं होगा। कैंडल बर्न्स ओनली इन केसेस, एक केस में इजली बर्न कर रहा था क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई बॉटम से हो रहा था और ऊपर से भी हो रहा था, एयर का एक्सचेंज भी हो रहा था। और केस बी में क्या है, नीचे से सप्लाई ऑक्सीजन का या एयर का ब्लॉक हो गया, इसकी वजह से वो फ्लिकर ऑफ हो गया, थोड़ी थोड़ी चिंगारी देकर के बुझ गया और धुआं ज्यादा निकल रहा था, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि स्मोक ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जैसा कि मैंने कल बताया था कि कोयला जलाते हैं, कोल या चारकोल, तो उसमें स्मोक क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो सॉलिड बॉडी होता है, रिजिड बॉडी होता है, रिजिड बॉडी में ऑक्सीजन हर इंटरनल पार्ट से नहीं पहुंच पाता है, इसकी वजह से जब वो जलता है तो बहुत सारा स्मोक या धुआं प्रोड्यूस करता है। तीसरे केस में आप लोग जैसा देखे थे कि दोनों साइड से ब्लॉक था, चिमनी जो था नीचे बॉटम से भी ऊपर से, तो कैंडल पूरी तरह से बुझ गया है क्योंकि कुछ भी एयर थोड़ा सा भी अवेलेबल होना नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। We have read that sun produces its own heat and light. It is also some kind of combustion. तो इसमें क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सन जो अपना हीट या लाइट कुछ प्रोड्यूस करता है, तो
क्या उसमें भी कंबशन होता है? तो सन का जो लाइट प्रोड्यूस होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना? न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसे तारे हो गए, स्टार्स हो गए या सन हो गया, ये सारे में जो हीट या लाइट प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए न्यूक्लियस का कंबाइन होना जरूरी है, ये आप हायर क्लास में समझेंगे। तो इसलिए कंबशन से उसको कंपेयर नहीं कर सकते, वहां पे एयर नहीं होता है फिर भी हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है सन में, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए और एयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कंबशन से। आगे हम देखेंगे, देखिए इसमें लिखा भी है कि न्यूक्लियर रिएक्शन, इसने अंतर आपको थोड़ा सा हिंट दिया है। न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, ठीक है? फ्यूजन और फिजन। तो फ्यूजन की वजह से तारों में, स्टार्स में या सन में हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, कंबशन की वजह से नहीं, ठीक। अब आगे सोचते हैं, एक्टिविटी 6.3 प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चार्कोल ऑन आयरन प्लेट और तवा, कवरिंग विद ग्लास जार और टम्बलर और फ्रेम प्लास्टिक ऑब्जर्व व्हाट डिफरेंस डज चार्कोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट स्टॉप बर्निंग। इसमें बोल रहा है कि आप तवा ले लीजिए कोई, या कोई फ्राइंग पैन ले लीजिए, उस पे लकड़ी या लकड़ी का कोयला, इसको चारकोल बोलते हैं, तो उसको ले लीजिए गर्म तवे पे, और फिर क्या करिए उसके कोयले के ऊपर या लकड़ी के ऊपर कोई ग्लास का जार रख दीजिए, जैसे कि तवा हो गया कोई, इसपे लकड़ी का कोई टुकड़ा ले लीजिए, ये गर्म है, हीट सप्लाई हो रहा है नीचे से, फिर उसको ग्लास से कोई ग्लास है ग्लास जार से ढक दिए। अब क्या उसमें बर्निंग होगा, क्या वो जलेगा कोयला या लकड़ी? नहीं, नहीं जलेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दैट्स व्हाई वो जलेगा नहीं और स्मोक प्रोड्यूस करेगा, बर्निंग कंप्लीट नहीं होगा। तो ये एक्टिविटी इसमें दिया है, ये एज सिंपल है जैसा पिछले में हम लोग समझे थे, एयर के सप्लाई के बिना बर्निंग नहीं होता, तो उसी को समझने के लिए और सिंपल सा ये एक्टिविटी था। उसके बाद आप देखें, यू माइट हैव हर्ड व्हेन द क्लोथ ऑफ अ पर्सन कैचेस फायर, द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, कैन यू गेस व्हाई? जब किसी को आग लगती है, किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाती है, यानी उसका कपड़ा जलने लगता है, तो क्या करते हैं आप सुने होंगे कि उसको कंबल से लपेट देते हैं, उसके बॉडी को क्यों लपेट देते हैं? क्योंकि जब कंबल से उसको लपेटेंगे तो ऑक्सीजन जो मिल रहा है उसके कपड़ों को जो जल रहा है वो ऑक्सीजन का सप्लाई ब्लॉक हो जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहां पे कौन सा गैस प्रोड्यूस हो जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो गैस क्या करेगा? आग को बुझा देगा। इसीलिए अक्सर क्या किया जाता है, जब किसी व्यक्ति के कपड़े में आग पकड़ लेता है, जलने लगता है, तो उसको पैसे बुझाने के बजाय डायरेक्टली क्या करना चाहिए, कोई कंबल या कपड़ा, मोटा कपड़ा से उसको लपेट देना चाहिए, तो तुरंत आग बुझ जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेक हो जाता है और आग बुझ जाती है, ठीक ना? आप यहां से देख रहे होंगे। Now regards about the experience, does a matchstick burn by itself? How does it burn? अब आप सोचिए कि कभी ऐसा हुआ है कि मैचस्टिक, माचिस से तेल जो है अपने आप जल जाता है? ऐसा तो होता नहीं है। तो कैसे जलता है? उसको रब करना पड़ता है। रब कैसे करते हैं? माचिस का जो बॉक्स रहता है उसके साइड में कुछ फॉस्फोरस का लेयर लगा रहता है, उस पर रब करते हैं जब माचिस को, माचिस तेली को, तब वो जलता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, ठीक। तो you must have had an experience burning of piece of paper, does it burn when a burning matchstick is brought near it? तो आप देखते होंगे कि जब भी कोई कागज, पीस ऑफ पेपर, छोटा सा कागज का टुकड़ा है, वो कैसे जलता है? जब माचिस की तीली आप पकड़ के उसके पास से लाएंगे तो वो आग पकड़ लेता है।
ठीक ना। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय बर्निंग अ लाइटेड मशीनरी, क्या उसी तरह आप जैसे पेज है, कोई कोई पेज का टुकड़ा है या पेज है उसके पास माचिस की है तो वो आग पकड़ लिया, ठीक है, जलने लगा, क्या ऐसा ही कर सकते हैं हम लोग? कोई लकड़ी का टुकड़ा है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है उसको माचिस लाएंगे तो क्या जलने लगेगा, तुरंत आग पकड़ लेगा? नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि तेज तुरंत आग पकड़ ले रहा है जबकि लकड़ी काफी समय ले रहा है आग पकड़ने में? इसका भी कोई रीजन जरूर होगा, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसी तरह दिया, व्हाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायरिंग वुड और कोल? अब ये भी पूछा है, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि जब हम लोग कोई लकड़ी, मोटी लकड़ी जलाते हैं या फिर कोयला जलाते हैं उसके लिए केरोसिन ऑयल या फिर पेपर को जलाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? डायरेक्टली कोयले को नहीं जला सकते, क्यों वो तुरंत आग पकड़ता नहीं है? ये सारे क्वेश्चन हम लोग आगे समझेंगे। आपने ये भी सुना होगा कि फॉरेस्ट फायर होता है, यानी जंगलों में आग लग जाती है अपने आप। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए समझेंगे। ये पिक्चर को आप ध्यान से देख रहे होंगे, फॉरेस्ट फायर यानी जंगलों में लगने वाली आग। During extreme heat of summer at some places, dryer catches fire from the grass. It is spread to trees and very soon has the whole forest on the fire. It is very difficult to control such fires. Yani, forest fire कैसे होता है? अभी हम लोग माचिस का समझे थे कि माचिस को जब हम लोग रख करते हैं उसके पॉकेट के साइड में तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चिंगारी निकलती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक। उसी तरह जंगलों में जब गर्मी ज्यादा हो जाती है, सूखे पत्ते जो पौधों के पेड़ों के घिरे रहते हैं जमीन में, वो बहुत ज्यादा समर सीजन गर्मी के सीजन में पत्ते उड़ते हुए गर्म रहते हैं और जब बहुत सारे पत्तों से रगड़ खाते हैं, फ्रिक्शन होता है, उससे चिंगारी उत्पन्न होती है। पर आस पास जितना भी ढेर लगा रहता है पत्तों का, सूखे पत्तों का, उसमें वो चिंगारी आग पकड़ लेती है और फिर वो धीरे धीरे पेड़ों तक पहुंच जाती है और ऐसे ही पूरे जंगल में आग फैल जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है जिससे आग लगती है और इस तरह के आग को कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट कई किलोमीटर होता है, वो ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल नहीं हो सकता, उस आग को कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। अब आप देखेंगे डिफरेंट टेम्परेचर। हाँ, तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे कि लकड़ी जो है बहुत देर में आग पकड़ता है, उसको जलाने के लिए केरोसिन ऑयल या कोई कागज प्लास्टिक जलाते हैं तब वो उसके साथ धीरे धीरे आग पकड़ के जलने लगता है, जबकि पेपर तुरंत आग पकड़ लेता है। ऐसा क्या कारण है इसमें? तो अलग अलग टेम्परेचर पे जलते हैं लकड़ी, मतलब पेपर तुरंत पकड़ लिया आग, यानी वो कम टेम्परेचर पे आग पकड़ लेता है, जबकि लकड़ी देर में जलता है, पहले धुआं देता है, यानी वो ज्यादा टेम्परेचर पे आग पकड़ता है। तो एक नया टर्म आ गया टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को पार्टिकुलरली क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर, ठीक ना, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिससे कोई चीज बर्निंग स्टार्ट कर दे, ठीक ना, वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर किसी भी वस्तु का जिससे वो जलना स्टार्ट हो जाए, इसी को इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। और हर एक वस्तु का अपना अपना अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, ठीक। जैसे लकड़ी का अलग होया, लकड़ी में बहुत सारी वैरायटी आती है, पतली लकड़ी है, मोटी लकड़ी है, या एक लकड़ी का टुकड़ा है पेड़ से काटा हुआ, वो उसी मोटाई पर और उसका कितना ड्राई है, कितना सूखा हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा उसका इग्निशन टेम्परेचर कितना होगा। जैसे केरोसिन है वो जल्दी आग पकड़ेगा, मिट्टी का तेल, एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी जो गैस है या सीएनजी गैस है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। जिस चीज का इग्निशन टेम्परेचर जितना ही लो होगा उसका, वो उतना ही तेजी से आग पकड़ेगा। ये इससे ये समझ लीजिए आप, ठीक ना, कि जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना लो होगा वो चीज उतना ही तेजी से आग पकड़ेगा, इसी को इग्निशन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक। कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मशीन डज नॉट कैच अ फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? तो अब इससे हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे जो माचिस की तीली रखी गई अपने आप आग को नहीं पकड़ती, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर काफी हाई है। जब तक उसको उतना टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक वो माचिस की तीली आग नहीं पकड़ेगी। उसको उतना टेम्परेचर क्यों मिलेगा? जब वो माचिस के साइड के बॉक्स से उसको
उसको रगड़ेंगे तो उतना हीट प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, ठीक है, तब जाके वो जलेगा। लेकिन कुछ चीजों को आग जल्दी पकड़ लेता है, यानी वो थोड़े ही टेम्परेचर पे आग पकड़ लेती है। ठीक, व्हाई डज मैजिक स्टार बर्निंग और रनिंग, ये समझ गए आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर क्लियर हो गया ना, ठीक, किसी भी चीज का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिससे वो जलना स्टार्ट करता है, जितना जल्दी चलेगा कोई चीज उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना ही कम होगा, और जितना देर में चलेगा कोई चीज वो उतना ही उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ मैजिस्टिक। History of magic is very old, more than 5000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches. So, इतिहास अगर देखा जाए माचिस का तो लगभग माना जाता है 5-6 हजार साल या उससे भी पुराना है। पहले पाइन, एक पाइन नाम का ट्री होता है, उसकी लकड़ियों से, उसकी लकड़ियों के पत्ते पत्ते पीस बनाए जाते हैं, और उसमें सल्फर एक तरफ उस पर लगा दिया जाता है, सल्फर पाउडर, और उसी से वो मैचस्टिक या माचिस बनती है। ये इजिप्ट में हुआ था, ठीक है, ये सारा डिस्कवरी या ये माचिस बनने का जो इतिहास है वो मिस्र देश इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था। मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉर डेवलप्ड ओनली अबाउट 400 ईयर्स, और नए तरह का जो माचिस अभी हम लोग यूज करते हैं ये लगभग 200 साल पहले स्टार्ट हुआ था। पहले के इस पाइन वुड के लकड़ी से ही बनाए जाते थे। Mixture of antimony and trisulfide potassium chloride and white phosphorus with some blue and starch was applied on the head of the match made of a suitable wood. तो matchstick बनाते समय क्या ध्यान में दिया जाता है? पहले कैसे बनते थे? कि antimony, trisulfide chemical plus potassium chloride और साथ में क्या रहता है? व्हाइट फास्फोरस, ये तीन केमिकल मिक्स करते हैं, उसमें उसमें ग्लू मिला देते हैं, मिला देते थे, और उसके बाद स्टार्च मिला करके उसको लकड़ी के ऊपरी पोर्शन पे चिपका देते थे, ठीक ना? और वो पार्टिकुलर लकड़ी क्या होता था? पाइन वुड, पाइन वुड यानी पाइन का लकड़ी, उसपे उससे छोटे छोटे पीस से ऐसे ही ये चारों केमिकल मिक्स करके लगाते थे। वेन द स्ट्रक अगेन रफ सरफेस, और उस समय तो माचिस का बॉक्स बना नहीं था, तो ये केवल माचिस की तीली बनाते थे उस समय के लोग हजारों साल पहले, और उस माचिस को जैसा भी माचिस या मैचस्टिक रहता था उसको क्या करते थे? किसी भी रफ सरफेस पे फ्रिक्शन के थ्रू रब करते थे, कोई भी रफ सरफेस है उसको रब कर देते, जैसे अभी हम लोग माचिस माचिस के बॉक्स पे रब करते हैं, वैसे किसी भी खुदरे सरफेस से उसको रब करते तो वो आग पकड़ लेता था। जैसे दीवार पे कर दिए या फिर पेड़ों के साथ पे कर दिए बांस से, तो उससे आग पकड़ लेता था। इस तरह से प्रोसेस होता था, और उस समय के लोग, इजिप्ट के लोग, मिस्र देश के लोग माचिस ऐसे स्टार्ट किए बनाना, वैसे यूज करते थे। फिर वेन व्हाइट फास्फोरस वॉट इंडिकेटेड टू द हीट ऑफ द फ्रिक्शन, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो रब करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन यानी जब चीजों को रगड़ते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, जैसे हम लोग हाथों को रगड़ेंगे तो उसमें गर्मी आती है, हीट प्रोड्यूस होता है, इसी तरह यहाँ भी ये जो केमिकल लगा है माचिस के ऊपरी पोर्शन पे उसको रब करेंगे इस सरफेस से ऐसे, तो ये तो क्ले सरफेस काफी स्मूथ है, कोई रब सरफेस रहेगा खुदरा तो उससे जल्दी से हीट प्रोड्यूस होगा और वही फिर लाइट से प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा ही ये सब होता था, इसी प्रोसेस से वो लोग बनाते थे माचिस के लिए, ठीक ना? तो ये सब पहले का प्रक्रिया बताया गया कि पहले के लोग कैसे कैसे बनाते थे। अब आ गया अभी के समय का। दी डेज हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, तो आजकल के जो माचिस की तीलियां हैं मैचस्टिक्स हैं उसपे केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिक्सचर रहता है, ठीक है, और उसको जब रब करते हैं और उसके साइड माचिस के साइड वाले बॉक्स पे भी कुछ वो केमिकल लगे रहते हैं तो उससे क्या होता है जल्दी हीट प्रोड्यूस हो जाता है, कम बहुत कम ही रगड़ना पड़ता है और इजिली आग पकड़ लेता है, ठीक, और ये डेंजरस भी कम है, ठीक ना? एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस, थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस भी उसमें मिक्स होता है, जिससे क्या होता है कि आग कम
होती है रब करने पे। पहले के जो मैचिक होते थे उसमें बहुत सारे चार केमिकल मिलाए जाते थे जिससे किसी रब सर्फेस बड़ी लकड़ी का मैचिक बना देते हैं, ऐसे रखते थे दीवार पे कहीं रब सर्फेस में, तो बड़ा आग का मशाल जल जाता था। तो अभी मैचिक में क्या कर दिया गया, कंटेंट कम कर दिया गया है और साथ में रेड फॉस्फोरस डाल दिया गया है जिससे जो अमाउंट ऑफ हीट है वो ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होता है और इसलिए ये लेस डेंजरस है। When the match is again, phosphorus get converted to white phosphorus. तो क्या होता है, ये कैसे डेंजरस नहीं है इसको भी समझना जरूरी है। रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस, तो इसमें पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड के साथ क्या मिलाया जाता है, रेड फॉस्फोरस। ये रेड फॉस्फोरस क्या करता है, रिएक्शन को थोड़ा स्लो कर देता है और जो हीट या लाइट प्रोड्यूस होता है वो कम मात्रा में होता है। ऐसा कैसे होता है, जब हम तो हीट मतलब उसको रब करते हैं मैचिक माचिस की तीली को उसके बॉक्स से, तो वो रेड फॉस्फोरस पहले हीट फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होता है, उस हीट से वो रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस में चेंज हो जाता है, ठीक है, उस गर्मी की वजह से। और फिर जब वो व्हाइट फॉस्फोरस में चेंज होता है तब वो आग पकता है, तो इसलिए थोड़ा समय लगता है और आसानी से कम अमाउंट में हीट पैदा होता है, ठीक है। और ये व्हाइट फॉस्फोरस फिर इसमें ऑलरेडी जो मिक्सचर में एंटीमनी एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और फॉस्फोरस क्लोरेट है इससे रिएक्ट करके इग्निशन इग्निशन क्रिएट करता है, यानी चिंगारी पैदा करता है और आग लग जाती है। तो ये कंबशन का प्रोसेस है जो मैचस्टिक में समझाया गया है, ठीक है। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि पहले के समय में चार तरह के केमिकल से मिक्स करके माचिस की तीली बड़ी बड़ी बनाई जाती थी, माचिस तीली उसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो माचिस तीली की तरह ही काम करता था। अभी क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट से मिक्स एक केमिकल माचिस के ऊपरी पोर्शन में चिपका दिया जाता है ग्लू लगा करके, और रेड फॉस्फोरस से एक्स्ट्रा में मिक्स किया जाता है। रेड फॉस्फोरस क्या करता है, उस रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो जैसे ही उसको रगड़ेंगे मैचिक के साइड में तो क्या होगा कि रेड फॉस्फोरस पहले व्हाइट फॉस्फोरस में चेंज होगा, फिर वो व्हाइट फॉस्फोरस क्या करेगा पोटेशियम क्लोरेट को क्या करेगा उसको उसमें उससे रिएक्ट करेगा, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्ट किया, पोटेशियम क्लोरेट में फॉर्मूला KCl(O3) होता है, और फिर उसके बाद जब सफिशियंट अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो जाता है रगड़ते समय तो फिर फाइनल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो होता है उस वो फिर फाइनली इग्निशन क्रिएट करता है, यानी चिंगारी पैदा करता है और आग लग जाती है। इस तरह से माचिस काम करता है, उससे कंबशन होता है, बर्निंग होती है। आगे हम लोग पेज के दूसरे साइड को समझ लेते हैं आज के लिए। वी फाइंड दैट सबमर्सिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स मिलीमीटर टेम्परेचर। जैसा कि हम लोग अभी पढ़े थे कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट जलना या कंबशन करना स्टार्ट करता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है कि कोई भी चीज आग कब पकड़ता है, जब उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना कम है। अगर कोई चीज आग नहीं पकड़ रहा है यानी उसका वो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, ठीक। तो यही इसमें दिया गया है, इग्निशन टेम्परेचर तक रीच करने के बाद ही कोई ऑब्जेक्ट जलना शुरू होता है। जैसे कि किसी मोटी लकड़ी को जलाएंगे आग पकाएंगे किसी और चीज की हेल्प से, तो वो बहुत समय पहले तो गर्म होगा, फिर धुआं फेंकेगा, फिर उसके बाद उसमें आग पकड़ेगी, यानी उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। और उसी के कंपेरिजन में अगर हम लोग कोई कपड़े को पतले कपड़े को जलाएं सूखे कपड़े को तुरंत ही वो आग पकड़ेगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो है। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? इसमें एक छोटा सा केस दिया है डेली लाइफ के। आप घरों में देखते होंगे कि तवे पे या कुकर में तेल रखते हैं आप और वो हीट कर रहे हैं नीचे से बर्नर से या गैस चूल्हा पे, तो क्या होता है कि वो ऑयल आग पकड़ लेता है।
होता है, क्या आपने कभी देखा है? ये मोस्टली आपने देखा होगा या कभी कुकिंग शो में आप लोग देखा होंगे, पैन में रखे रहते हैं और आग पकड़ लेता है। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर, बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर। इसी तरह सिमिलरली जो मिट्टी का तेल है केरोसिन ऑयल, ये अपने आप आग नहीं पकड़ता, ना ही लकड़ी कोई भी चीज अपने आप आग नहीं पकड़ता, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर अलग है। जब तक उनको उतना हीट नहीं मिलेगा तब तक वो आग उनको जलना शुरू नहीं करेंगे, चाहे वो केरोसिन ऑयल हो या वुड हो। ठीक, तो अगर केरोसिन ऑयल को हीट दिया जाएगा तो वो आग डेफिनेटली पकड़ लेगा उस समय में ही। उसी तरह लकड़ी का भी जैसे, हालांकि लकड़ी या वुड जो है वो ज्यादा समय लेगा क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है, यानी उसको बहुत ज्यादा हीट देंगे तब जाकर वो फिर लाइट और हीट प्रोड्यूस करेगा, बर्न होगा, बर्निंग उसका स्टार्ट होगा। Does it mean that ignition temperature of the kerosene oil is lower than that of the wood? Yes, ignition temperature उसी चीज का लो होता है जो बहुत तेजी से जलता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं केरोसिन तेजी से जल रहा है जबकि वुड काफी स्लोली जल रहा है। इससे हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है और वुड का बहुत ज्यादा, यानी किसी भी चीज का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है तो वो तेजी से आग पकड़ता है, और किसी भी चीज का अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो बहुत ही स्लोली वो आग पकड़ता है, उसका कंप्रेशन बहुत स्लो होता है। तो देखते हैं द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर दैट इट इज एसेंशियल फॉर द सस्टेन टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते थे कि सबसे पहला क्या एसेंशियल फैक्टर था बर्निंग के लिए, एयर, यानी बिना हवा के आग नहीं लग सकती। अब दूसरा अभी हम लोग समझे हैं इग्निशन टेम्परेचर, कि कोई ऑब्जेक्ट का इग्निशन टेम्परेचर जब तक रीच नहीं होगा तब तक वो आग नहीं पकड़ेगा। ठीक ना, बिना इग्निशन टेम्परेचर पहुंचे कंबशन नहीं होता है। आगे हम लोग और चीजों को पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना आप समझ लीजिए। ओके, थैंक यू।